लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत छपने वाली प्रचार सामग्री पर होनी चाहिए प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की जानकारी, यह कहना है नूह जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा का। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रचार प्रसार के लिए छपने वाली सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव के दौरान प्रिंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1971 की धारा 127 में उल्लेख किया गया है। वहीं बता दें कि मतदाताओं को लुभाने से संबंधित शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी कर दिया गया है। आमजन टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं सूचना। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन दिए जाने से संबंधित शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। आमजन इस नंबर पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा ने आज मीडिया को जानकारी दी। आप देख रहे हैं नुह मेवा से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, सभी संबंधित जो प्रेस है उनको ये दिया गया है कि कोई भी अगर प्रचार सामग्री लगती है तो उसके ऊपर प्रचार सामग्री को छापने वाला उसका मुद्रांकन किया जाए। अगर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिलती जिसमें कि मुद्रांकन नहीं किया जाता तो उसे सीज किया जाएगा। साथ ही साथ अगर सूचना मिलती है कि कोई इसको बिना उसके मुद्रांकन करा उसको सीज भी किया जाएगा। सर, टोल फ्री नंबर 1950 को लेकर आप क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होती है उसी दिन से ही टोल फ्री नंबर जो है 1950 वो लागू हो जाता है और उसमें किसी भी तरह की शिकायत जो कि आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कहीं पे MCMC का वायलेशन देख रहे हैं उसके बारे में भी सूचना देते हैं। हर एक शिकायत है वो रिकॉर्ड की जाती है और संबंधित ERO को सूचना दी जाती है।